अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं पिंक केक की रेसिपी एकदम बाज़ार के तरह घर में ही। तो चलिए अपनी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, मैं उसमें डालूँगी एक कटोरी पिसी हुई चीनी, आधी कटोरी प्लेन दही, एक चम्मच वनीला एसेंस। अब इसको अच्छी तरीके से फैट लेंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे शक्कर मेरा, मतलब जो मैंने पाउडर डाला था वो घुल चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल, आप इसके यहाँ पे मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं। और डालूँगी एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी इस तरीके से। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया, अब इसमें ऐड करूँगी मैदा। तो मैदा यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है और आधी कटोरी, टोटल 1.5 कटोरी मैदा लिया है। इसको भी मिक्स कर लेना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। उसको धीरे धीरे ऐड करके इस तरीके से देखिए स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। तो बैटर मेरा बन के तैयार हो गया है, इतना दूध देखिए बच गया है, तो मैंने इसको नहीं डाला है वरना हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती। अभी ये परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे पिंक कलर। तो मैंने यहाँ पे इतना पिंक फूड कलर लिया है, अगर आप चाहें तो पिंक कलर ना डालें। मैं आपको पिंक केक की रेसिपी बता रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर यूज़ किया है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो कलर थोड़ा अभी लाइट है, मैं इसमें एक और ढक्कन डालूँगी पिंक कलर। तो अभी देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है, बैटर यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से देखिए तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है, मैं उसमें नमक डालूंगी। आज मैं केक पतीली में नहीं बना रही हूँ बल्कि कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल लिया है। और अब मैं इसमें स्टैंड रखूँगी और इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करूँगी। अब जब तक वो मेरा प्री हीट होगा मैं यहाँ पे बैटर अपना केक मोल्ड में डालूंगी। तो केक मोल्ड में बैटर डालने से पहले केक टिन में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ऑयल से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, अब मैं इसमें बैटर डालूंगी। बैटर मैंने इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा इसको टैप करेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो रिमूव हो जाएं। तो अब कुकर भी मेरा प्री हीट हो चुका है, इसमें बैटर डालेंगे और इसको ढक के 30 से 40 मिनट बेक करेंगे। ध्यान रखिएगा अगर आप केक कुकर में बनाएंगे तो कुकर के ढक्कन की सीटी और वो रबर निकाल के ही बनाइएगा। तो अब इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे केक बेक हुआ है या नहीं, अगर नहीं बेक हुआ रहेगा तो 10 मिनट और बेक करेंगे। 35 मिनट हो चुके हैं, केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। देखिए मैंने आपको चेक करके दिखाया है, आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। तो केक मेरा बेक हो चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हो जाएगा इसको डीमोल्ड नहीं करिएगा। तो डीमोल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें केक टिन को इस तरीके से प्लेट पे पलटना होगा, उसके बाद थोड़ा सा टैप करना होगा, देखिए इस तरीके से। तो ये केक मेरा बाहर आ गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसको आइसिंग करेंगे इस पे। तो आइसिंग करने के लिए केक को 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा। बहुत ही संभाल के आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा, अगर आपसे 3 पार्ट में ना हो सके तो आप सिर्फ 2 ही पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 लेयर में। तो मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। अब सबसे नीचे वाला लेयर लिया है मैंने, इस पे विप क्रीम मैं लगाऊंगी और इसको फैला लूँगी। विप क्रीम कैसे विप्ड की जाती है मैंने इसकी भी रेसिपी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप इसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले पे क्रीम लगाया था सेम वैसे मैंने सेकंड पे भी लगा लिया है। अब सबसे टॉप लेयर पे इसी तरीके से मैं
क्रीम लगा लूंगी और देखिए फैला लूंगी इसको इस तरीके से। तो ये मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है, अब इसको डेकोरेट करने की बारी है। तो जैसे चाहें आप उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से डेकोरेट कर लूंगी। आप चाहे इसको इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं या और भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने पूरे केक को इस तरीके से सजा लिया है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।